वेलकम टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चाय, जिसमें खुशबूदार और बढ़िया चाय मसाला मैं आपको घर में ही बनाना बताऊंगी, जो इस बदलते हुए मौसम में आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। मैं आपको चाय मसाला भी बताऊंगी और साथ ही मसाला चाय बनाना भी बताऊंगी। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करके एक परफेक्ट मसाला चाय बना सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मसाला चाय बनाना। लेकिन चाय से पहले हम मसाला बनाएंगे चाय के लिए। चाय के मसाला तैयार करने के लिए जिस मसाले को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे हम हरी इलायची, और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे लौंग, साथ ही हम यूज़ करेंगे काली मिर्च, सौंफ, तुलसी जी के पत्ते, गुलाब की पंखुड़ी, ये देसी गुलाब की पंखुड़ी है, साथ में दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े, एक जायफल, और इसी के साथ हम मुलेठी यूज़ करेंगे जो गला के लिए बहुत अच्छी होती है, और साथ ही हम यूज़ करेंगे सूखी हुई अदरक। आप इसके जगह पे अदरक का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और साथ में यूज़ करेंगे हम बड़ी इलायची, जिसका बीज यूज़ करेंगे, इसके छिलका को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारे मसाले हम मसाला चाय में यूज़ करेंगे। चाय के मसाला बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 20 ग्राम हरी इलायची, और हरी इलायची की आधा हम यूज़ करेंगे काली मिर्च, जो लगभग 10 ग्राम है, यानी कि 1 चम्मच काली मिर्च यूज़ करेंगे, और इसी के साथ हम 10 ग्राम यानी 1 चम्मच लौंग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और 1 चम्मच हम सौंफ यूज़ करेंगे। मैं यहाँ छोटी वाली सौंफ यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो सौंफ है आप उसे यूज़ करें, आप बड़ी वाली भी सौंफ यूज कर सकते हैं। और साथ ही हम यूज़ करेंगे 4 से 5 स्टिक दालचीनी के, और दालचीनी के बाद हम यूज़ करेंगे एक जायफल, लेकिन इसे हम इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, इसे पहले हम कूट लेंगे। तो इस तरह से इसे अच्छे से कूट लेंगे, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर एक जायफल यूज़ कर रहे हैं, और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे 4 से 5 बड़ी इलायची, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, इसे भी हम कूट कर इसका छिलका अलग करके यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम इसे पहले कूट लेंगे, और कूटने के बाद इसका छिलका हम अलग कर देंगे और इसके बीज निकाल लेंगे, और इसके छिलका को हम साइड में रखेंगे और इसके बीज को हम यूज़ में लेंगे। तो इस तरह से हम कूट कर बड़ी इलायची भी ले लेंगे पैन में, और इसके बाद हम पैन में यूज़ करेंगे मुलेठी, जो कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है, और चाय में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसे भी हम इस तरह से अच्छे से पहले कूट लेंगे, और कूटने के बाद इसे भी हम पैन में इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब इस मसाला चाय में हम यूज़ करेंगे सूखी हुई अदरक। आप इसे कूट कर यूज़ करें, ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे इसका पाउडर आसानी से मार्केट में मिलता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसे पहले हम अच्छे से कूट लेंगे, और इसे हम सारे मसाले के साथ यूज़ नहीं करेंगे। आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगी इसे किस स्टेज पर यूज़ करना है। कूटी हुई अदरक, गुलाब की पंखुड़ी और तुलसी जी के पत्ते को हम साइड में रखेंगे, और बाकी मसाले को हम पैन में अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम इस स्टेज पर हम बिल्कुल लो रखेंगे, और लो फ्लेम पर ही सारे मसालों को हम भूनेंगे। इन सारे मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल इनके मॉइस्चर को ख़त्म करना है, इसलिए इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इस तरह से लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, जिससे कि ये मसाले का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब इसमें ऐड कर देंगे हम कुटी हुई अदरक या अदरक पाउडर, जिसे हम सॉल्ट का पाउडर भी कहते हैं, और इसे भी हम इस तरह से मिलाएंगे, और 1 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर और भूनेंगे। 1 मिनट और भूनने के बाद गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे हम गुलाब की पंखुड़ी। आप ध्यान दें, यहाँ गैस के फ्लेम बंद है, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम तुलसी जी के पत्ते। और चूँकि पैन हमारा बिल्कुल गर्म है, इसलिए गर्म पैन में ही इसे हम इस तरह से भून लेंगे लगभग 1 मिनट, ताकि तुलसी जी के पत्ते और गुलाब के पंखुड़ी के भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा अगर आप भून देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दे के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनें, और इस तरह से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इसे मिक्सी जार में
ऐड करके हम इसे पीस लेंगे, जिसके लिए हम इस तरह से मिक्सी जार में ऐड करेंगे सारे मसाले को। और इस मसाला चाय में अगर आपके पास एक दो चीज़ नहीं है या आपको मार्केट से एक दो चीज़ नहीं मिलता है तो आप उसे स्किप कर दें। और अब इसे हम पीस लेंगे, तो आप देख सकते हैं पीसने के बाद कितना अच्छा पाउडर बन के तैयार हुआ है। इसकी खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक पिसा हुआ है। इसे पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप ऑन ऑफ करके इसे आराम से पीस सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर चाय की मसाला तैयार है। मैं आपको अब चाय बना के बताऊँगी कि चाय के किस स्टेज पर चाय मसाला यूज़ किया जाता है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रखेंगे। उसका मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, ना ही उसमें हवा लगना चाहिए। तो इस तरह इसे हम एक जार में रख देंगे। और साथ ही चाय बनाते वक्त जिस चम्मच का यूज़ करेंगे हम चाय का मसाला निकालने के लिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, नहीं तो होता नहीं है। हम कभी कभी आराम से चाय बना रहे हैं और पानी वाला चम्मच ही यूज़ कर देते हैं, तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। चाय मसाला निकालने के लिए हमें बिल्कुल ड्राई चम्मच का यूज़ करना है। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका मसाला चाय कभी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर चाय बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम एक कप पानी, क्योंकि हम दो ही कप चाय बना रहे हैं तो इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे। और पानी जब अच्छे से उबल जाए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उबल रहा है, जब अच्छे से उबल जाए तो इसमें ऐड कर देंगे हम एक कप दूध। और दूध को भी हम एक मिनट अच्छे से उबालेंगे। जब दूध इस तरह से अच्छे से एक मिनट उबल जाए तब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। तो मैं यहाँ दो चम्मच चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा चीनी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी यूज़ करने के बाद हम इसे एक मिनट और उबालेंगे, क्योंकि चीनी के मेल्ट होने से दूध पतला हो जाएगा, इसलिए इसे एक मिनट और हम अच्छे से उबालेंगे। एक मिनट उबालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम डेढ़ चम्मच चाय पत्ती। आप चाय पत्ती कम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चाय पत्ती की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह इसे मिला लेंगे और लो फ्लेम पर इसे दो मिनट और अच्छे से हम उबालेंगे। दो मिनट अच्छे से उबलने के बाद चाय का बहुत बढ़िया कलर आया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो दो मिनट उबालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम चाय की मसाला, जिसे हमने बना के रखा है। तो यहाँ दो कप चाय में हम यूज़ कर रहे हैं आधी छोटी चम्मच चाय मसाला। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप इसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और आपको बिल्कुल लाइट पसंद है तो आप एक कप में एक पिंच ही चाय मसाला यूज़ करें। तो इस तरह से हम चाय में चाय मसाला ऐड कर देंगे, इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे एक मिनट और हम अच्छे से उबालेंगे, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं उबालेंगे, अगर ज़्यादा उबालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। चाय में चाय मसाला ऐड करने के बाद एक मिनट और इसे हम उबाल लिए हैं, और अब इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और चाय को हम छानेंगे। तो लीजिए, बन के तैयार है मसाला चाय। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि आपके आस पड़ोस से आपके पड़ोसी भी आ जाएंगे चाय पीने के लिए, और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, और साथ ही ये भी पूछेंगे कि आपने चाय का मसाला कहाँ से ख़रीदा है। तो आप इस मसाले वाली चाय को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी गारंटी है आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और आपके चाय के स्वाद के साथ साथ ये आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।